सरसों का तेल तो आप सबने खाया होगा, लेकिन सरसों खेत से पकने के बाद निकलती कैसे है वो आज आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। किस तरह से खेत में सरसों काट करके पहले सुखाई जाती है, फिर उसके बाद किस तरह से उसे मशीन के माध्यम से उसके दाने को निकाला जाता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि किस तरह से सरसों जो आपके घरों तक पहुंचती है वो खेतों में किस तरह से तैयार होती है। जब सरसों का पेड़ पक जाता है, हरा होकर के जब उसकी पूरी समय सीमा खत्म हो जाती है, तो सबसे पहले उसे काट करके खेतों में डाल दिया जाता है ताकि वो धूप में सूख सके। सूरज की रोशनी के नीचे सरसों को इस तरह से गट्ठर बना करके सबसे पहले अलग अलग करके छोटे छोटे गट्ठरों में रख दिया जाता है ताकि खेतों में सरसों अच्छे से सूख जाए, ताकि उसके बाद उसे जब मल्टी क्रॉप थ्रेसर में रखा जाए, यानी वो मशीन जिससे कि सरसों अलग होता है और ऐसी कई फसलें होती हैं जो इसी मशीन से अलग की जाती हैं, उसका उपयोग किया जा सके। आप देखिए खेतों से किस तरीके से किसान अपने गट्ठरों को सर पर रख कर के ला रहे हैं, और ये वो मशीन है जिसे कि मल्टी क्रॉप थ्रेसर बोलते हैं, जिसमें जो ये कटे हुए पौधे हैं सरसों के, इनको ऊपर से जो किसान है वो डालता है। और अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बाईं तरफ आपको कुछ उड़ता हुआ धूल सी नज़र आ रही है, दरअसल ये धूल नहीं है, दरअसल ये जो सरसों के बीज जब अलग हो जाते हैं तो बाकी जो आप पूरे पौधे में ये बड़ा सा जो पौधा देख रहे हैं, इसके जो बाकी सारे पार्ट्स हैं, जो बाकी सारा बचा हुआ जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से अलग हो जाती हैं, और ये पूरा सरसों का बीज अलग हो जाता है और बाकी की पूरी पौध जो है वो अलग हो जाती है। ये भूसा बन जाता है, इसको जो घरों में जानवर होते हैं, गाय भैंस होती हैं, वो इसको खाती हैं। और आपके सामने जो सरसों आता है वो इतनी मेहनत से आता है, कड़ी धूप में किसान खेतों में पहले से काटता है, फिर जा कर के ये देखिए किस तरीके से थ्रेसर से कटने के बाद जो बीज अलग हुए हैं उसको बड़ी बारीकी से जो मशीन है ये बड़ी बारीकी से अलग कर देती है। पहले इसी पूरी प्रक्रिया में बहुत मेहनत लगती थी। इस तरीके के तमाम वीडियोस देखने के लिए जो एक्सप्लेनर्स से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए, और ये बताते रहिए कि ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि हम आप तक इस तरीके का और कॉन्टेंट लगातार पहुँचाते रहें, क्योंकि आप जो हम पर भरोसा करेंगे उसी हिसाब से हम आप तक कंटेंट लाएंगे।